आराम से बैठिए चेयर पे आप। नहीं मालिक आप इधर बैठिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा खड़े खड़े बात कीजिएगा, ठीक। नमस्कार सर, प्लीज बताइए कैसा किचन बना आपका? और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना किचन। मैंने बहुत सारे कारीगर लाए थे यहाँ जी जी दिखाने के लिए जी। थैंक यू। सारे बोलते थे तोड़फोड़ करेंगे जी जी, तोड़फोड़ करके बनाएंगे। तोड़फोड़ में नुकसान होता था बहुत, डबल नुकसान होता है, डबल नुकसान होता है, मार्बल टूट जाता। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पंकज मिस्त्री। तो जिसे आप देख रहे हैं पीछे किचन का डिजाइन है, तो एक किचन 8x10 की है। तो इस किचन में मैं सोचा कि कम से कम खर्च में, और हर कोई सोचता कि हर कम से कम खर्च में अच्छा सा किचन बने, तो किस तरीके से बनवाएं और कहाँ तोड़फोड़ करें कहाँ ना करें। तो हम बताते हैं आपको ये किचन महंगा क्यों बनता है। जैसे कि टाइल देख रहे हैं, पुरानी टाइल है, यहाँ पे पत्थर लगा हुआ, नीचे ही पत्थर लगा हुआ है। अगर आपका पत्थर सही है तो आप चाहेंगे इसको इस्तेमाल करें, अगर बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल काम के नहीं है, आप तोड़ के बना सकते हैं, तो किचन वहाँ से महंगा होता है। तो हम चाहते हैं किचन का पूरा वीडियो देखते देखिए, बिना इसमें कोई तोड़फोड़ से मैंने किया हुआ नहीं, बिल्कुल बिना तोड़फोड़ के हर जगह मैंने कहाँ कहाँ मतलब छिपाए हैं कि देखने लगे पूरा मॉडल किचन, और कहीं भी तोड़फोड़ मैंने बिल्कुल नहीं किया। तो हम आपको दिखाते हैं बिल्कुल ऊपर से ही। जैसे मैं इस तरफ से कोई खिड़की आता है, इस तरफ से कोई आपको, तो अगर आप खिड़की बनाते तो थोड़ा छोड़ के बनाते हैं यहाँ से मान लो सीधा, तो भी लुक खराब हो जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से तिरछा ले लिया ताकि हमें बाहर की चीज़ दिखाई भी दे और खिड़की भी इस्तेमाल हो जाए और थोड़ा देखने में सुंदर लगे। हमने रखा है क्रॉकरी वाले, इसमें शीशे का सेल्फ है सिंगल। इसमें चिमनी लगाते हैं, तो चिमनी में क्या होता है, तो चिमनी के पाइप कम से कम दिखने चाहिए। मॉडल किचन का मतलब होता है चिमनी के पाइप कम से कम दिखे तो फायदा है। जबकि देखिए इसको हम खोल दिखाते हैं आपको, पाइप का सुराख भी है लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा है, कम से कम दिख रहा है। हमने इसमें कोई टाइल नहीं चेंज किए, कोई पत्थर, कोई कुछ नहीं, क्योंकि किचन महंगा कहाँ से बनता है, इधर से महंगा बनता है। तो हम चाहते हैं किचन बजट में बने और सुंदर बने। सुंदर देख, आप देख सकते हैं इसमें लाइट मैंने प्रोफाइल लगाया इसमें, देखिए नीचे ये भी क्रॉकरी है, इसमें दो स्लैब लगाए। इसे किचन बनाते तो कोशिश करें कि चिमनी को बिल्कुल कवर ना करें, बिल्कुल फिक्स ना करें। कभी कोई सर्विस करना हो, कुछ करना हो, तो आराम से पल्ला खोले, सर्विस किए, चेंज किए, आराम से बंद कर दिए। कई लोग क्या करते हैं बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, तो उनको सर्विस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये भी स्लैब बना हुआ सीमेंट का, इस तरफ आपको हम दिखाते हैं यहाँ से, देखिए ये जो है ना ये मोटी बिल्कुल सलफ है, हमने इसको भी तोड़ा हुआ है। इसका एक फायदा हो गया, मजबूती भी हो गया और इसके ऊपर हम बना भी दिए। हमने जो भी इसमें इस्तेमाल किया हैंडल है, सारा प्रोफाइल है। अब देखिए यहाँ पे खिड़की था, खिड़की का हमने छिपा दिया, देखिए इसे आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने बिना तोड़ फोड़ चाहते हैं कि अच्छा किचन बने और सुंदर भी हो, खर्चा भी कम आए और मलबा कम से कम निकले। और रखे सलाफ इसमें एक, और यहाँ रखे डिश रैक। जैसे बर्तन धोए आपने, कई लोग बोलते हैं बर्तन धोए कैसे रखे, तो यहाँ पर जो ट्रे होता है ना, जैसे आप देखिए ये ट्रे पानी इसमें गिरता है, जब भी इसमें इस्तेमाल करना हो तब पहले इसको यहाँ पे लगा दे। जैसे कुछ बर्तन धोए, प्लेटे, कोई बर्तन कप सब इसमें रखे, आराम से जो भी पानी इसमें ट्रे में गिरता है, ट्रे निकाल के आराम से पानी इसको नीचे आराम से गिरा सकते हैं। ये इसको बोलते हैं डिश रैक। बाकी छोटा सा सेल्फ यहाँ लगा दिए ताकि सिरे न लगे यहाँ पे कुछ रखने के लिए। ये हो गया सिंक, सिंक पे एक पल्ले लगाया हमने डस्टबिन होल्डर, और यहाँ पर रखे एक आटा या चावल रखने के लिए। हम जगह को पता से पता को नीचे बिल्कुल लगाते हैं पीवीसी, क्योंकि पीवीसी खराब होता नहीं, पानी दीमक से बिल्कुल कुछ इनको कुछ होता ही नहीं है। जो हमारा ये पल्ले होते शटर वाले, बाकी जो पार्टीशन होता है सारा लगाते हैं प्लाईबोर्ड का, और ये वाला मैंने इस्तेमाल किया सिंपल बिल्कुल प्लेन बास्केट, कुछ भी रख सकते हैं मल्टीपर्पज के लिए। आटा चावल की तो बात ही अलग है, इसमें आप इसे बर्तन हो गया, ड्रम छोटा हो गया, इसमें आराम से रख सकते हैं। नीचे वाले प्लेन है, तब इसे पता नहीं कोना में कुछ इस तरह के इस्तेमाल करते हैं। इसे देखिए यहाँ पे हमारा पिलर है, ये देख रहे हैं ना 8 इंच का ये पिलर है। अगर हम इसको तोड़ते कुछ करते या तो करते बहुत कुछ क्या पता कुछ कहीं क्रैक हो जाता तो उल्टा डबल नुकसान हो जाता है, हमने इसलिए इसको तोड़फोड़ कहीं नहीं किए। अब चूल्हे के सामने तो बिल्कुल आपको पता ही है चिमनी होता है ऊपर,
तो उसके नीचे होता है हमारा कटलरी, सब देख सकते हैं, चाकू छुरी करछी कुर्सी के लिए। उसके नीचे कप सॉसर हो गया, छोटे प्लेटों के लिए होता है ये हो गया प्लेन। यहाँ रखे बीपीओ, इस तरह इस डब्बे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए रखा हुआ पिलर 8 इंच का। किचन का हम रेट कैसे बढ़ता है, जैसे कि आप चाहें तो आपका मर्जी है कि हम किचन पूरा तोड़ फोड़ के बनाए तो बजट बढ़ जाता है। अगर किचन आपका इस टाइप से है, साफ दिख रहा है, तो मैं तो बोलता हूँ कि इसी में बनाइए। अगर आपको बजट बढ़ाना है तो पूरा तोड़ फोड़ कर टाइल लगाइए, दुगना हो जाएगा रेट। ये हो गया प्लेटों के लिए, जैसे देख सकते छोटे प्लेट के लिए। ये हो गया थालियों के लिए। हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि कई लोगों को पता चले कहाँ पे क्या होता है, और हम काम भी अच्छा इस तरीके से करेंगे ताकि हम काम अच्छा करेंगे तभी तो वीडियो बना सकते हैं, ऐसे तो बना नहीं सकते हैं अगर गलत काम करेंगे तो। इस तरह होगा, थोड़ा तिरछा कोना हो गया। मैंने हर जगह को सही तरीके से इस्तेमाल किया है, बाकी ऊपर भी स्लैब पड़ा हुआ तो आपको हम दिखाते हैं। कुर्सी दीजिएगा, तो इस तरह दिखाते हैं। हमने इसका फ्रेम बनाया है क्योंकि स्लैब पड़ा हुआ था, इस तरफ से 2 फुट है, इस तरफ से 3 फुट है, इससे ऊपर भी स्टोरेज काफी हो जाएगा। जो सामान रखेंगे ऊपर, कभी कभी निकालेंगे महीने एक आधा बार, ये तो साल में निकालेंगे, तो जैसे बड़े बर्तन हो गए उस तरीके। ये स्लैब हमारे 2 फुट है, इस तरफ से 3 फुट है, तो इसमें काफी स्टोरेज मेरा बन गया। हम सिर्फ बाहर से फ्रेम बनाए, बाहर से लगा दे शटर, जैसे आप देख सकते हैं। इस पर जो आप देख रहे हैं लेमिनेट, ये पूरा सरमे का है, हर जगह इस तरफ से भी। इस तरफ लगाए 2 पल्ले, सामने सामने इस तरफ 2 पल्ले लगाए। जो भी आप देख रहे हैं सारा इसमें प्लाईवुड बना हुआ है और सनमाइका में। नीचे लगाएं पीवीसी बोर्ड, क्यों खराब नीचे ही होता है। अब बात करवाते हैं सर से कैसा किचन बना है, थोड़ा इनसे पूछते हैं साहब से। सर आइए एक मिनट प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। किचन आपका बना है, आराम से बैठिए चेयर पे आप। मैंने मालिक, आप इधर बैठिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा खड़े खड़े बात कीजिएगा, ठीक। नमस्कार। नमस्कार सर। सर प्लीज बताइए कैसा किचन बना आपका। और बहुत अच्छा बना किचन। मैंने बहुत सारे कारीगर लाए थे यहाँ जी जी दिखाने के लिए जी। थैंक यू। सारे बोलते थे तोड़ फोड़ करेंगे जी जी, तोड़ फोड़ करके बनाएंगे। तोड़ फोड़ में नुकसान होता था बहुत, डबल नुकसान होता है, डबल नुकसान होता है, मार्बल टूट जाता सारा, तो बहुत खर्चा आता है। तो फिर जब पंकज जी आए, ये अच्छे मिस्त्री है, तो इन्होंने बोला नहीं मैं तोड़ फोड़ के बगैर बनाऊंगा, बहुत बढ़िया बना कर दूंगा। तो मैं भी हैरान हो गया कैसे बनाएगा बढ़िया तोड़ फोड़ के बगैर। बनने के बाद आपको कैसा लगा? बनने के बाद बहुत अच्छा बना। अच्छा बना, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया। ये बना रहे हैं काम के गंगाल में, तो सर का नाम है? मेरा नाम है प्यारेलाल जी। हम रहते हैं गंगाल में, तो हम रहते जानीपुर में। तो इनको काम मतलब पहले देखे थे लेकिन कभी करवाए नहीं थे, लेकिन इस बार करवाए। तो मैंने किचन बनाया, बोलते हैं मीरा ही बनाओ, वो भी काम कर रहे हैं। तो सर कैसा, खुश है आप मेरे काम से? बहुत खुश है। थैंक यू सर। बहुत संतुष्ट है। थैंक यू। अब आपको दिखाते हैं इसका लाइट बंद करके, जैसे कि शीशे का लाइट से जल रहा है ना, तो इसका ऐसा शीशा का अगर लाइट इसका बंद भी कर देंगे तो फिर भी इसका शीशा अच्छा लगता है। जैसे आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं इस तरह का डिजाइन है कि थोड़ा अच्छा सुंदर लगता देखने में, सिंपल। देखिए लाइट जलाएं, ब्लू प्रोफाइल, जैसे कि ये देख रहे हैं बल्ब लगा हुआ है। तो सिर्फ एक किचन की लाइट जल रही है, अगर आप इतना भी आपका किचन में लाइट जलेगी ना, तो आप किचन में आप काम आराम से कर सकते हैं। देख सकते हैं नीचे के सेलर पे, इस पर क्या आँखों पर रोशनी भी नहीं पड़ेगी। आप इतना अब जैसे देर किचन रात को आए हैं, तो आप किचन में आराम से इतनी लाइट में आप काम कर सकते हैं। जैसे कोई देखो आँख पर कोई रोशनी नहीं लग रहा है, ऊपर की सारी लाइट हमारी बंद है। अगर चिमनी की लाइट जलाएंगे तो लास्ट वाला है,
इससे अच्छा बल्ब से कनेक्ट, अगर चिमनी की भी लाइट हम जलाते हैं ना, जैसे आप देख सकते हैं इसकी भी लाइट काफ़ी होती है। तो किचन आप बनवाते हैं कम से कम लाइट का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि लाइटों से थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, सुंदर। तो कैसा किचन, जरा मतलब कैसा वीडियो मेरा लगा, किचन और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। अगर आप सपोर्ट हमें ना करेंगे, सब्सक्राइब शेयर ना करेंगे, तो आगे हम और अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हम आप हमें वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करें, और हम अच्छा काम करेंगे और सपोर्ट, हम और अच्छा काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम पूरा तौर पर करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कस्टमर हर टाइप के होते हैं, आगे बुजुर्ग इंसान, इनको ज़्यादा तंग करेंगे, तोड़फोड़ करवाओ, लेबर लाओ, वो लाओ, पहले फेंकवाओ, महीना ऐसे ही लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको शौक है कि बिल्कुल नए तरीके से बनाए किचन तोड़फोड़ के, तो उस तरह के भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले बजट, मान लीजिए किचन में लगा मोटा मोटा 2 लाख, तो इसमें अगर तोड़फोड़ करेंगे सही से करेंगे 3.5-3 लाख तो लगना ही लगना है, इतने कोई उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो पैसे बचाना आपके हाथ में, अगर आपका टाइल ग्रेनाइट अगर सही है, लेकिन कई लोग बोलते हैं इसको तोड़वा देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कस्टमर को कम से कम पैसे में अच्छी चीज़ बने। गेटअप कहाँ से आती है, जैसे कि हम ग्लास लगा दिए, लाइट लगा दिए, फिनिशिंग अच्छी हो, प्रोफाइल हो, या तो कलर काम अच्छा हो, अपने आप काम अच्छा दिखता है, आप पूरा तोड़वा देंगे और उसके बाद बोलेंगे नहीं जी आप ये ले आओ वो ले आओ, तो काम बजट बढ़ता जाएगा। अगर आप किचन नया शुरू से बनवा रहे हैं, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल कमरा बना हुआ है, फिर तो जायज़ बनता है कि किचन 3-3.5 लाख पहुंच जाएगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर किचन बिल्कुल साफ़ है आपको इस तरीके से, तो हम बना देंगे सिवा, लेकिन हम सिर्फ जम्मू में काम करते, जम्मू के अलावा बाहर, जम्मू से बाहर जाते नहीं है। और अगर आप जम्मू में वीडियो देख रहे हैं तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप कॉल कीजिए, तो आप हमसे संपर्क करके काम करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ जम्मू सिटी के लिए। और ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।